हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईसी ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और हमारी बनारस ट्रिप का ये डे 3 है, तो चलो चलते हैं बाहर। ये भी आगे देखो, तो चलो चलते हैं बाहर और जो भी हम घूमेंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलते हैं घूमने के लिए और जो भी घूमेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना। और आपने अगर इस बनारस सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो भी जाके आप चेकआउट करना और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना बनारस सीरीज की सारी वीडियो को, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो चलते हैं लेके आपको बाहर घुमाने के लिए। और देखो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पे। और हम निकल गए, ई रिक्शा में बैठ गए और आपको दिखाने चलते हैं एक बढ़िया सा मंदिर। तो चलो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस मंदिर के, जिसका नाम है बरखंडी महादेव। ये देखो कितना ही सुंदर मंदिर है। अब हम आए हैं बरखंडी महादेव के मंदिर में और ये देखो कितना ही बड़ा शिवलिंग है। ये शिवलिंग के अंदर पूरा बना रखा है मंदिर, कितना बड़ा शिवलिंग है उसके अंदर बना रखा है। और ये स्टेयर्स, अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के दर्शन करके बाहर निकले तो एक हमें दिखी, ये बड़े की दुकान, बड़े बड़े साउथ इंडियन डिश है। तो ये चेक करते कैसी है खा के। और ये सुबह सुबह ये मशीन स्टार्ट हो गया खाने की। देखो यहाँ इडली बन गया, इडली भी लेगी ये मशीन खाने के लिए। हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया और हमने अंकल आंटी को छोड़ दिया है होटल में, क्योंकि वो चल नहीं पाएंगे, उनके बस की नहीं है। तो अब हम दोनों निकल गए बनारस एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज की वीडियो में देखते हैं आपको वो सब दिखाएंगे जो आपने नहीं देखा होगा, जो हमने भी नहीं देखा, सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिक्शे में हम बैठ चुके हैं, तो चल रहे देखते हैं कहाँ जाएंगे सबसे पहले हम। तो अभी तो पहले जहाँ से घाट स्टार्ट होता है, मंदिर स्टार्ट होता है, वहाँ पहुँच रहे सबसे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या हम एक्सप्लोर करेंगे और वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलो जी चलते हैं। और हाँ, मौसम की अपडेट देखूँ, आज मौसम इतने 3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, आज सबसे बढ़िया मौसम है और एकदम मस्त, मतलब क्लाउडी सा वेदर है और फुल हवा और बढ़िया चल रही है एकदम कतई। और ये देखो क्या ही बढ़िया मौसम है देखो, और बस ऐसा ही पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहना चाहिए तो मज़ा आ जाएंगे। आज देखो कितना ही ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि आज है संडे, तो इस वजह से देखो कितना क्राउड है। यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है मंदिर और यहीं से लाइन लगनी स्टार्ट हो गई आज देखो, तो कितना ही ज़्यादा क्राउड है। और ये देखिए भैरव बाबा जी का कितना ही पुराना मंदिर है, ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है। ये देखो वाईसी ब्लॉग्स। ये 3 छोटे छोटे प्यारे बच्चे हमारे चैनल का नाम पूछ रहे थे। मैं आपको लेके चल रहा हूँ काल भैरव मंदिर, जो कि बनारस में काशी विश्वनाथ जी के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपको ले चलता हूँ काल भैरव जी के दर्शन कराने के लिए। और देखिए मंदिर जाने के लिए कितनी ही पतली पतली गलियों में से निकलना पड़ रहा है। देखो एक बंदा ही सही से निकल सकता है। ये बच्चे घर पहुंच गए, इनको घर छोड़ दिया हमने और हम आ गए काल भैरव। और देखिए ये रहा काल भैरव मंदिर, और हमने अंदर गए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो और फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं था ना, कैमरा अलाउड था, इसलिए हमने बस ऐसे ही दर्शन कर लिए, वीडियो नहीं बना पाए। काल भैरव मंदिर के दर्शन कर लिए और इधर की अब गलियों से हम जा रहे हैं ब्रह्मा घाट। और यहाँ देखो घर के बाहर देखो कि सब घरों के बाहर देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग हो रखी है, कितना बढ़िया बढ़िया आर्ट बना रखा है हर घर के बाहर देखे। और यहाँ की गलियों देखिए कितनी पतली पतली गली है।
कैसी कैसी गलियों में से जा रहे हैं। इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं नहीं इंटरव्यू नहीं अंकल जी, ऐसी ब्लॉग बना रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा। अच्छा अच्छा, हम लोग ले लिए। हाँ आपको ले लिया अंकल जी, कहाँ से आए आप? एक लोकल है। अच्छा अंकल, यहीं से निकले। मोदी जी से क्या कहिए, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटीरियर का जरा सा रोड है। हाँ। चलो ठीक है, बस मोदी जी सुन लीजिए अंकल। हाँ। की जी गुहार, मोदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। बेकार किसी को वोट करके अपना वोट खराब करना है, एकदम कह दीजिएगा। किसी दूसरे को दे करके वोट खराब करना है, सही बात। वो एक गाड़ी चल चुकी है, उसको ब्रेक करना हो तो बेवकूफ़ी लोग करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, वही एकमात्र। और देखिए हर जगह मोदी जी का ढंग का ही है। यहाँ पे भी हम तो नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे थे, अंकल जी कह रहे मेरा इंटरव्यू लो और अपने चैनल पे दिखाना। मैं चलो अंकल जी आपकी सारी बात दिखा देंगे अपने चैनल पे, तो बस कह रहे कि थोड़ा रोड का काम करवाना है। तो मोदी जी सुन लेना, अंकल का काम करवा देना रोड का, आपके समर्थन में बाकी वो। हम आ गए काशी धाम और इसके बारे में अभी आपको मैं अंदर चल के बताता हूँ। इसकी एंट्री यहाँ से है, बट हम पहले नीचे चल रहे हैं ब्रह्मा घाट। पहले आपको ब्रह्मा घाट दिखाता हूँ। और ये देखो कितने छोटे छोटे, देखो कितने सारे शिवलिंग हैं और अंदर डोगी लेटा हुआ है। तो चलो आपको पहले देखो एक शिवलिंग ये भी रहा, तो पहले आपको ब्रह्मा घाट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको काशी धाम के बारे में बताऊँगा, अंदर चल के पूरी चीज़ दिखाऊँगा। देखो ये हम आ गए ब्रह्मा घाट, और देखो कितना ही प्यारा घाट है ये देखिए। और ये देखो गंगा जी में सब नहा रहे हैं। ये यहाँ पे जूते चप्पल यहाँ रखने हैं तो हमने अंदर रख दिए। और ये है यहाँ की एंट्रेंस, इसका नाम है काशी धाम। खुलने का समय इसका 10 से 6 और ट्यूसडे टू संडे खुला रहता है ये। और ये म्यूज़ियम है, चलो अंदर चलते हैं और टिकट प्राइस मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। तो चलो पहले चलते हैं अंदर। और यहाँ पे हमने टिकट ले लिया, 2 टिकट 25 ईच की है, तो 2 टिकट पड़ी है हमें 50 रुपये की। तो चलो सबसे पहले भोले बाबा जी के दर्शन करते हैं शिवलिंग के। और देखिए कितने सुंदर शिवलिंग है। जय भोलेनाथ। और ये देखिए आपको 12 ज्योतिर्लिंग के मैं दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे सारे जो हमारे हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग हैं भोले बाबा जी के, वो सारे यहाँ पे नाम के साथ यहाँ पे है ये देखिए। और इनमें से हमने एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन रियल में कर लिए काशी विश्वनाथ जी के। और आने वाले टाइम पे आपको अपने चैनल के थ्रू मैं सभी ज्योतिर्लिंग 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराऊँगा। और देखो कितना ही सुंदर है सारी चीज़ें। देखो अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, सबके ऊपर नाम लिख रखे हैं। यह है काशी विश्वनाथ जिसके अभी हमने दर्शन कर लिए हैं। ये भीमा शंकर है, सबके नाम ऊपर मेंशन है। और ये है केदारनाथ, ये देखिए। तो चलो चलते हैं अंदर और एंटर करते म्यूज़ियम में। ये है यहाँ का एंट्री गेट। और ये हमारे देखो गौ माता, जो हमारे गौ माता में भगवान विराजमान होते हैं वो सारे इसमें दिखा रखे हैं, ये देखिए। काफ़ी सुंदर म्यूज़ियम है, तो चलो आपको पूरा दिखाता हूँ मैं। और टिकट भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, 25 रुपये की एक बंदे की है। तो मैं बोलना चाहूँगा आप लोग भी ज़रूर आए और इसको पूरा मतलब एक्सप्लोर करें, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको हमारे हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। तो चलो आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। ये काशी विश्वनाथ मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप यहाँ बाय वॉक ईजिली आ सकते हो। कि ये सारे हमारे ग्रह, जो हमारे हिंदू धर्म में जो ग्रह होते हैं, हमारे सूर्य चंद्र मंगल बुध, ये हमारे 7 ग्रह हैं, राहु केतु, और सबके नाम मेंशन है नीचे देखिए। और इसमें देखो पूरा महाभारत का दिखाया गया है। तो आप जो भी मतलब जैसे हम इसके बारे में हम पूरा जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्कैनर दे रखा है,
तो इस स्कैनर को अपने फ़ोन से स्कैन कर दीजिए, उसके बाद देखिए हमने स्कैन करा तो आप इसके बारे में पूरा सुन सकते हैं, मतलब इसके बारे में पूरा बताएगा आपको संत महापुरुष। देखा आपको इसके बारे में पता करना है तो यहाँ पे भी स्कैनर है, तो आप ये स्कैन करके आप इनके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे जो हिंदू धर्म में चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो हिंदू धर्म में जो चार वेद है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और देखिए म्यूजियम से ऊपर से देखो कितना ही बढ़िया व्यू आ रहा है गंगा जी का। काशी धाम आपको दिखा के, और हमने भी देख लिया काशी धाम और आपको भी दिखा दिया। अब हम बैठ गए रिक्शे में, यहाँ से रिक्शा मिल गया हमें बाय चांस। अब हम जा रहे हैं नमो घाट दिखाने आपको, ये काफ़ी सुंदर घाट है तो इसलिए हमने सोचा नया है ये, सबसे बड़ी आपको एक्सप्लोर कराने आ रहे हैं, हम भी देखेंगे आपको भी दिखाएंगे, तो इसलिए हमने अभी रिक्शा ले लिया है और चल रहे हैं नमो घाट के लिए। और ये देखिए देखो यहाँ पर कोई रिक्शा आ नहीं रहा, ये तो अंकल एक दिख गए बस, यहाँ देखो बैरिकेड लग रखे हैं तो इसलिए बैठ गए। और यहाँ से 3 किलोमीटर है और हम वैसे ही सुबह से कम नहीं तो 6 से 7 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, इसलिए अब हमारी हिम्मत नहीं थी तो हमने रिक्शा ले लिया, तो चलो चलते हैं। ये देखो बोट वाली एम्बुलेंस, इस पर मोदी जी की फ़ोटो लग रखी है, ये देखिए ये एम्बुलेंस है बोट वाली, तो देखो कितना ही बड़ा घाट है ये वाला, और ऊपर से जा रही ट्रेन का ब्रिज है ऊपर, और उसके ऊपर है गाड़ी ऐसी जा रही है, कितना ही बड़ा है ये वाला घाट। तो चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा सही से नमो घाट। तो बच्चों के लिए फनी एक्टिविटीज़ भी है, ये मिनी बस है एक बच्चों के लिए, एक और ट्रेन भी है यहाँ पे, और देखिए लिखा नमो घाट पांडा वाली ट्रेन है, तो बहुत सारी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे इवनिंग के टाइम में, और भी अच्छा लगता है ये घाट। और देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ, और ये रहा नमो घाट का ये हाथ, मतलब हाथ जोड़ के जो है ये स्टैचू है, इसलिए इसका नाम नमो घाट है। ये रहा नमो घाट, सब यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं, तो बस यही है नमो घाट। और अब धूप निकल गई, हमने मौसम की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी आज, तो अब धूप निकल गई और हालत देख ही सकते हैं। और ये देखिए ये बोट में सीएनजी पंप है, ये मतलब ये क्योंकि यहाँ की जो जितनी भी बोट है ना ये इनमें सब में सीएनजी सिलेंडर लग रखे हैं, और वो यहाँ पे आके सीएनजी डलवाते हैं। और ये देखो नदी के अंदर है यहाँ का कैफेटेरिया नमो घाट का, देखिए तो सारे मतलब सारी फैसिलिटी है, बढ़िया है एकदम। और ये रहा एग्जिट, तो चलो चलते हैं बाहर। आ गए और हमने समोसे चाट भी ले लिए और अपना लंच का भी सामान ले लिया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, कैंटीन में खाया, और अब हिम्मत हो नहीं थी कि दोबारा नीचे आए फ्रेश फ्रेश होके, तो इसलिए हमने सारा लंच का सामान लेके और हम जा रहे हैं ऊपर रूम पे खाएंगे, उसके बाद फिर आपको शाम को एक्सप्लोर कराएंगे, हाँ थोड़ा रेस्ट भी करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया। तो चलो आ गए अपने होटल में, और ये रहा अपना रूम।